श्वास भरते हुए हाथों को साइड में ले जाएंगे, छोड़ते हुए तेजी से ताली बजाएंगे। एक 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 सम। अब फास्ट चलेंगे, एक फीट की दूरी और फास्ट। अंगुलियां खोल लीजिए। अंगुलियां खोलने से आंखों के पॉइंट्स, कान के पॉइंट्स, पूरी बॉडी का एक एक पार्ट एक्टिव हो जाता है। जोर से ताली, अपनी क्षमता के अनुसार बजाना। यस, अब आप अपनी सीबीसी चेक कर सकते हो, हीमोग्लोबिन कितना है चेक करो। हाथ लाल हो गए इसका मतलब आपकी हीमोग्लोबिन आप में अच्छा है, लाल रक्त कण अच्छे हैं, यह आपकी जांच होगी, समझिए ना। और जिनके लाल नहीं हुए इसका मतलब समझो आपकी बॉडी में ब्लड कम है, ठीक है ना। तो हम स्वयं, हमारे शरीर में इतनी क्षमता है, हम खुद चेक भी कर सकते हैं। और कोई भी बीमारी का इलाज जब तक शरीर सपोर्ट नहीं करता है तो इलाज नहीं होता। शरीर हर बीमारी का इलाज करता है। जैसे कहीं लग गई, ब्लड निकला, ऑटोमेटिक क्लॉट जम जाता है और ब्लड रुकता है। रुकता है, नहीं रुकता, नहीं रुकेगा तो ब्लड पूरा बाहर निकल जाएगा। ये काम करता है प्लेटलेट काउंट। रक्त में तीन कण होते हैं, कौन कौन से? हीमोग्लोबिन, वाइट सेल्स और प्लेटलेट। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? कोशिका के एक एक कोशिका में ऑक्सीजन पहुँचाना। और वाइट सेल्स बोले तो रोग प्रतिरोधात्मक सेना है पूरी। बीमारी आती है, वायरस आते हैं, उससे मुकाबला करती है रोग की बीमारी। और प्लेटलेट काउंट, जब ब्लड बहता है तो उसका क्लोट बनता है, रोकने की क्षमता उसकी। शरीर इसकी अद्भुत रचना है प्रकृति की, ऐसा कोई कारखाना नहीं। शरीर के जैसा कोई कारखाना है क्या, बताओ आप? एक लीवर में, लीवर 500 तरह के स्राव होते हैं, लीवर 500 टाइप लीवर, इसका कोई कारखाना नहीं होगा जो एक साथ 500 टाइप का काम करता है। लेकिन लीवर सबसे बड़ा कारखाना है, इसलिए जो लोग शराब पीते हैं उनके लीवर जल्दी खराब होते हैं, समझिए ना। तो ये एक एक ऑर्गन्स बहुत पावरफुल है। और ये योग से, प्रेक्षा ध्यान से हमारे शरीर का एक एक पार्ट, एक एक ऑर्गन स्वस्थ रहता है। वो सब व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो रोज प्रेक्षा ध्यान और योग करते हैं। जिंदगी के लास्ट मोमेंट तक किसी की सेवा नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन रोज करना चाहिए। एक टाइम खाना नहीं खाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन आपने मिस किया मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये समझो आप। वजन कम किया तो थोड़ा वजन कम हो जाएगा, पेट अच्छा होगा। अब हम फास्ट चलेंगे, फास्ट भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फास्ट काम करना। यस, स्टार्ट। हाँ, कोई बात नहीं, स्टॉप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। इस तरह बोलना, दोनों हाथ कंधों के समान अंतर, कलाई से 90 डिग्री का कोण, गोल घुमा हुआ गोल, छोटा गोला, अब बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, पूरे हाथ की एक्सरसाइज, और बड़ा। अब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, बड़ा, छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, स्टॉप। कंधों पर प्रेशर दे दीजिए इस तरह, अगर आपको लग रहा है आपको मुद्रा बना, दोनों हाथों की मुद्रा बनाएं, चेस्ट के सामने रखें। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बस हाथों को बंदी करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टॉप। दोनों हाथ जुड़े हुए, ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाया जाता है उसके लिए धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। कंधों के समानांतर, गर्दन पीछे, छत को देखें।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, एक बार और, दो, लास्ट एक बार और, सम मंडुकासन के लिए तैयार। वज्रासन में बैठे जो बैठ सकते हो वज्रासन में बैठे, जिन्हें घुटनों की तकलीफ है वो वज्रासन में ना बैठे, सुखासन में कर सकते हैं। जो जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पर बैठकर सेठी पर बैठ के कर सकते हैं। सेठी पर कोई या कुर्सी नहीं जम रही है तो बेड पर बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, नाभि नेवल के साइड में स्थापित, मंडुकासन, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए सीना घुटने से लगाएं, सामने देखें, ललाट जमीन से लगाने के बाद सामने देखिए, पेट पर जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, थोड़ी देर रुकने का प्रयास करिए, आधा मिनट रुकते हैं हम, ठीक है। यस, बैक पेन वाले आगे न झुके, सामने देखना, जो नहीं रख सकते हैं ऊपर आ सकते हैं। धीरे धीरे ऊपर, एक बार और, यस, सांस भरें, छोड़ते हुए जाएं, सामने देखें, धीरे धीरे ऊपर। हर एक्सरसाइज कम से कम 3 से 5 बार रिपीट करना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट आता है। और जितना ज़्यादा देर रुकोगे किसी भी आसन में, स्थिर सुक्तम आसनम, पतंजलि में बताया गया, जितनी देर स्थिरता पूर्वक आसानी से रुक सकते हो, गए आए, उतना लाभ नहीं मिलता है। लेकिन उस आसन में स्थिर होने के बाद जब हम रुकते हैं तो उसका लाभ का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता है। लेफ्ट हाथ नाभि पर, फिर राइट, सांस भरें, छोड़ते हुए ललाट जमीन से करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, एक बार और, धीरे धीरे ऊपर। आसन का नियम, भरेंगे तो ऊपर आते हैं, छोड़ेंगे तो नीचे जाएंगे, जब नीचे जाएंगे तो छोड़ते हुए, ऊपर आएंगे तो भरते हुए, बॉडी को फैलाएंगे तो भरेंगे और छोड़ेंगे तो सिकुड़ेंगे, ये नियम याद रखिए आप। फिर भी नहीं जमता है तो नॉर्मल चलने दीजिए, जमता है तो सांस के साथ जुड़ेंगे, सांस के साथ जुड़ने से 100% लाभ अधिक होता है, तो सांस के साथ जुड़ने का प्रयास करें। एक बार और करेंगे, भरे सांस, धीरे धीरे ऊपर। अब बढ़िया,
राइट साइड में अपेंडिक्स और लेफ्ट में यहाँ रेक्टम के नीचे यहाँ लगाइए। यस, सांस भरे छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। धीरे धीरे ऊपर एक बार और धीरे धीरे ऊपर एक बार और दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, राइट के ऊपर लेफ्ट प्लेट की तरह जमाएं, नाभि से चार अंगुल नीचे पेड़ के भाग पर। किसी भी तरह की इंटरनल प्रॉब्लम के लिए लेडीज जेंट्स सभी के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। बहुत ज्यादा दर्द हो तो तुरंत ऊपर आ जाए। सांस भरें छोड़ते हुए ललाट जमीन से कर। धीरे धीरे ऊपर एक बार और हरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर